आइए और जानकारी लेते हैं आज कितना सुहाना और बढ़िया दिन है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। सभी लोग भारत ही नहीं विदेश भी आज बुद्ध पूर्णिमा को बड़े पैमाने पे मना रहा है। जिनको नहीं मनाना चाहिए आज वो भी मना रहे हैं। जो भगवान गौतम बुद्ध से नफरत करते हैं आज वो भी बड़े पैमाने पे एक दिखावा कर रहे हैं कि 2018 का चुनाव आने वाला है। 2018 का चुनाव नज़दीक है क्योंकि अगली जो बुद्ध पूर्णिमा आएगी उसमें देश का काया पलट होगी या काया विपरीत दिशा में जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि और जो भगवान गौतम बुद्ध को नहीं मानते आज वो भी बड़े पैमाने पर अपने कंधे पर रख के चल रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहकाए में नहीं आना चाहिए। जैसे भंते जी ने बताया हमारे बीच में सोनपाल जी जो एजुकेशन से संबंध रखते हैं, शिक्षा से संबंध रखते हैं, अभी हम अब जानकारी लेते हैं। सोनपाल जी, भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे कल्याण करने के लिए, तो उन उपदेशों में से कुछ बातें आप बताएं। जैसे भगवान बुद्ध ने उस समय, भगवान बुद्ध के समय में जो है अशिक्षा का बहुत बड़ा मतलब अंधकार फैला हुआ था जी। ऐसी अशिक्षा के समय में या जो अंधकार के समय में जो भगवान बुद्ध ने जो प्रकाश का मार्ग बताया था वो बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था। तो भगवान बुद्ध ने एक्चुअल में अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात कही थी, और उन्होंने जो है सबसे पहले जब उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई उनसे जो कुछ भी सीखा तो उनके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं किस तरीके से मानव जाति को एक सही रास्ते पर ले जाऊं। और वो शिक्षा पर उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ या जब बौद्धि प्राप्त हुई तो उसको उन्होंने अपने समाज को, जो कि अंधकार में था उस समय, बिल्कुल अंधकार में था, कोई दिशा नहीं मिल रही थी समाज के लिए, उस समाज में उस चीज़ को बताया। तो सबसे पहले उन्होंने चार आर्य सत्यों के बारे में बताई थी जी। तो चार आर्य सत्य जैसे दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और निवारण करने का एक रास्ता भी उन्होंने दिखाया था जी। क्योंकि लोग समझते थे कि दुख है, न जाने कौन सी एक ऐसी शक्ति का वो समझते थे प्रभाव कि उसका कोई कारण नहीं होता। तो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी चार आर्य सत्यों की, जो वैज्ञानिक शिक्षा थी, जो कि एक तरीके से तर्कपूर्ण थी, तार्किक आधार पर शिक्षा थी कि कोई दुख होता है उसका कारण भी होता है, और उसका कारण होता है और उसका निवारण भी होता है, और निवारण करने का तरीका भी उन्होंने बताया तथागत बुद्ध ने। तो चार आर्य सत्यों के बारे में बताई थी। उसके बाद जो है तीन रत्नों के बारे में बताई थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगम। बुद्धं का मतलब मैं बुद्धि की शरण में, वो कहते थे कि मानव जाति जो है एक बुद्धि की शरण में जाए, मानव विशेष की शरण में नहीं बल्कि बुद्धि यानी संबोधि की शरण में जाए, यानी संबोधि उसको ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। धम्म का मतलब है धम्म, जो अभी भंते जी ने बताया था, धम्म का मतलब है सद्धर्म, इसका मतलब ऐसा, धम्म का मतलब है धारण करना, ऐसी चीज़ को धारण करना है जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, मेरे लिए उपयोगी है, मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, सभी के लिए, वो धम्म है, उसे हम धम्म कहते हैं। और बाकी जो है, बाकी में धर्म में विश्वास नहीं लेकिन धम्म में मेरा विश्वास है। तीसरी बात संघ, संघ का मतलब है कि जो ज्ञानवान लोग हैं, जो सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, वो सब मिलकर के इस धम्म को आगे बढ़ाएं, ऐसा उन्होंने संघ की बात कही थी, ये संघ है जी। तो तीन संघ की बात बताई थी उन्होंने, और तीन रत्नों की बात बताई थी, बुद्धं शरणं, ये तीन रत्न है, तो ये तीन रत्न की बात बताई थी, चार आर्य सत्यों की बात बताई थी, अष्टांगिक पांच सील की बात बताई थी। पांच सील में जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, नशे पते की चीज़ नहीं, नशा नहीं करना चाहिए, और परस्त्री गमन भी उन्होंने निषेध बताया था। ये सारी चीज़ें पांच सीलों के बारे में बताई थी। पांच सील हैं या ये 22 प्रतिज्ञा हैं? नहीं, 22 प्रतिज्ञा तो बाबा साहब की थी, अलग है, अलग है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा अलग, और पंचशील ये अलग है, अलग है, वो तथागत बुद्ध का पांच सीलों पर पालन करने का था, तो वो तथागत बुद्ध का है, लेकिन बाबा साहब ने सारी निचोड़ किया, 22 प्रतिज्ञा की, जो कि 22 प्रतिज्ञा केवल इसी आधार पर है कि भगवान बुद्ध के धर्म पर आधारित 22 प्रतिज्ञा है उसमें। हाँ सोनपाल जी, मैं आपसे फिर एक जानकारी लूँगा कि पहले एजुकेशन जो थी और आज की एजुकेशन में कितना फ़र्क है? क्योंकि पहले की एजुकेशन में जो है हमें धर्म भी बताया जाता था, मतलब नैतिकता के ऊपर, सदाशील के ऊपर, सदाचार, नैतिकता, इनकी बातें, लेकिन आजकल जो प्योरली एक भौतिकवादी ज्ञान दिया जाता है वो नैतिकता और सदाचार और सदाशीलता और शिष्टाचार की शिक्षा नहीं दी जाती है, वो ऐसी ये अंतर है इसमें। हाँ, तो सोनपाल जी वही बात आती है कि जो धर्म की तरफ कैसे हमारा समाज जाएगा। एक तरफ तो कहा जाता है शिक्षा की जननी सरस्वती है, धन की जननी लक्ष्मी है, और सरस्वती जो एक देवी है, लक्ष्मी एक देवी है, अगर इनको घर में रखने से अगर हमारा उद्धार हो जाता तो ये स्कूल नहीं होते शायद, तो ये मतलब ये पढ़ाया तो आप लोग यही तो पढ़ा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। नहीं सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, किताबों में तो ये लिखा है ना? किताबों में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं अपना विश्लेषण करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जब जवाब दिया जाता तो वही जवाब होगा, अगर आप इसको और तरीके से जवाब देंगे तो आप एग्जाम फेल हो जाएंगे। एक्चुअली मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मेरा सब्जेक्ट ही लॉजिकल है, हमेशा लॉजिक पर आधारित है, इसलिए
इसलिए मैं लॉजिक में विश्वास करता हूँ और मेरा विषय ऐसा नहीं है। और अगर मेरा विषय भी ऐसा होता तो मैं उनको लॉजिक देता, उनको तर्क देता, उनको आर्गूमेंट देता, उनको अंधविश्वास की तरफ नहीं धकेलता। इसलिए मेरा विश्वास है कि मैं लॉजिक में विश्वास करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट भी है और ये होना भी चाहिए। तो सोनपाल जी, ये जैसे कि अब हमारा धर्म जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, देखिए क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं जिन्हें बंते जी कहा जाता है, आज ये भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि पहले क्या था, देखा कि घरों में जा जाके प्रचार करा करते थे, घरों में जा जाके इनका सम्मान होता था, लेकिन आज एक जगह सीमित हो गए हैं। नहीं, एक्चुअल में इसमें एक कारण है, मेरा अपना प्लान है। इस समय मैं शिक्षा में हूँ, मेरे अंदर भी ये भावना है कि मैं समाज के लिए कुछ काम करूँ, लेकिन जब तक ओवरऑल प्लान नहीं बनेगा इस पर तब तक नहीं हो सकता। एक मिनट, इसका ये है कि मैं धर्म की बात करता हूँ तो धर्म तो इस तरीके से नहीं बढ़ने वाला। अच्छा। धर्म का प्रचार करना, लेकिन धर्म के लिए ऐसा है कि मुझे ओवरऑल इसकी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी कि मेरे धर्म में लोग क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पर क्यों नहीं एकत्र यूनाइटेड। जैसे तथा भगवान बुद्ध की तीन बातें ली कि एजुकेट, शिक्षित बनना है, उसके बाद संगठित होना है, फिर संघर्ष करना है। तो मान लीजिए शिक्षित हो गए, अब शिक्षित होने के लिए मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कोई आदमी क्यों आएगा अपने धंधे को छोड़ करके? आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो अपने धंधे को छोड़ कर क्यों आएगा? इसलिए मैंने ये कहा था कि हम हमेशा हर स्तर पर हमें काम करना है, सामाजिक स्तर पर भी काम करना है, आर्थिक स्थिति पर काम करना है और धर्म को भी बढ़ाना है और राजनीति के साथ भी काम करना है। अगर ओवरऑल प्लान बनता है तो इनके साथ अगर आगे बढ़ते तो एक एक करके, ये धर्म एक एक करके तो नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में जो हम काम करते हैं उससे ज़्यादा दूसरे जो विरोधी हैं इसके वो उसको डाउनफॉल कर देते हैं। तो हमें एकदम सामूहिक रूप से काम करना पड़ेगा और ओवरऑल आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति सभी पे विचार करके और अलग अलग स्तर पर काम करना पड़ेगा। एक साथ नॉन लीनियर अप्रोच में काम करना है, सब एक साथ चलते हैं तो काम बनता है, एक एक करके काम नहीं बनने वाला। हाँ, वो तो सोनपाल जी, ये तो अभी 2 तारीख को आपने 2 अप्रैल को दिखा दिया एक साथ चलने का। जब एट्रोसिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उन्हें लगा कि आज हमारा जो कवच था वो छीन लिया गया है। नहीं, वो तो एक यूनिटी है, लेकिन यूनिटी है तो यूनिटी में तो ये काम का हमें ताकत दिखानी भी चाहिए, लेकिन वो यूनिटी है लेकिन हम फिर भी डिसयूनाइटेड हैं। ऐसा ना कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, शैक्षिक रूप से पूरा कंप्लीट प्लान नहीं बना हुआ है, तो इस तरीके से वो यूनाइटेड तो हम दिखाई दे गए उसमें, यूनाइटेड यूनिटी तो नज़र आती है। चलिए कोई बात नहीं, यूनिटी तो नज़र आती है इसमें। धन्यवाद सर।